आज की क्लास स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य ज्ञान, जो कि हॉस्टल अवार्डनेस से आपके 20 नंबर पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ से आपका सामान्य ज्ञान 20 नंबर का रहेगा और आज के टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। यहाँ से आपके प्रश्न बिल्कुल बनेंगे और IIMP क्वेश्चन आपको कराऊंगा। हॉस्टल अवार्डनेस की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य ज्ञान के बारे में, यहां से बिल्कुल प्रश्न बनेंगे और 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही है हॉस्टल वार्डनर में, तो उनकी क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही लाइक करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है। जो बस्तर की दशहरा उत्सव है वो समाप्ति कब होती है? मुड़िये के दरबार से होती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है। ये टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है, डायरेक्ट आपको आंसर क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करूँगा, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन करते चलेंगे और यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनेंगे। इसको याद करते हुए चलेगा या साथ में कॉपी पेन रख लीजिएगा, कहीं भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो नोट करते हुए चलिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है। देखिए CGPSC 2019 में पूछा गया है, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है जो कि रिलेटेड है। बस्तर में जो यात्रा के पर्व को गोंचा पर्व कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं। देखिए व्यापम 2018 में पूछा गया है बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं, तो ये चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र माह में मनाया जाता है। इसके बाद है बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है। CGPSC 2016 में पूछा गया है। देखिए प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर आपको करा रहा हूँ जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, जो छात्रावास अधीक्षक सब इंस्पेक्टर प्री मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो शाम 5 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की क्लास होती है और सुबह 9 बजे कंप्यूटर की क्लास होती है। ठीक है, और ये जो चल रहा है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये दोपहर 3 बजे की क्लास होती है। ठीक है, दोपहर 3 बजे की क्लास होती है। जो लोग चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो पर जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, आप सभी को मैं बताऊंगा। देखिए बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता था, स्थानीय आदिवासी द्वारा रथ खींचा जाता है। ठीक है, चलिए बस्तर दशहरा का प्रारंभ, इसमें किस देवी की पूजा की जाती है। देखिए व्यापम से ही बिल्कुल यहाँ रिलेटेड है, CGPSC CG व्यापम में पूछे ही जाते हैं। बस्तर का दशहरा का प्रारंभ काछिन गादी देवी से होता है। किससे होता है? काछिन गादी देवी से होता है। ठीक है, काछिन गादी किस पर्व का अनुष्ठान है संबंधित है। ठीक है, देखिए CGPSC CMO में पूछा गया है, अधिकारी लेवल से भी पूछा गया है। बिल्कुल मैं आपको कराऊंगा CG व्यापम और PSC से रिलेटेड क्वेश्चन ही कराऊंगा, ये दशहरा से रिलेटेड है। ठीक है, कॉपी में नोट कर लिए या फिर इसका PDF पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। देखिए मैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है। जो थापड़ी नृत्य है, जो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ मंडी निरीक्षक एग्जाम 2021 में पूछा गया है, जो थापड़ी नृत्य होता है कोरकू जनजाति। ठीक है, कोरकू जनजाति में थापड़ी नृत्य। एक और नृत्य कौन सा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ढांडल और थापड़ी नृत्य। देखिए यहाँ पर नृत्य से संबंधित बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है, जनजाति से रिलेटेड आपके एग्जाम में आती हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको जनजाति से देखने को मिल सकता है व्यापम में। इसके बाद है कठिया पथरी चूना पत्थर किस जिले में। जो कठिया पथरी चूना होता है, देखिए ये भी एग्जाम मंडी निरीक्षक में अभी हाल ही जो 2021 में हुआ है उसमें पूछा ही गया है। जो पथरी चूना होता है ना, कठिया पथरी चूना किस में होता है, तो रायपुर जिला। देखिए कहाँ कौन से जिले में स्थित है, रायपुर जिले में स्थित पूछ सकता है ना, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, जिले से संबंधित बिल्कुल। चलिए तो आपके लिए एक और प्रश्न है, छिपन करही जो है वो कौन से जिले में स्थित है। तो छिपन करही है वो बलौदा बाजार जिले में स्थित है, ये हाल ही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, छिपन करही
कौन से जिले में स्थित है? बलौदा बाजार, ये चूना के लिए स्थित है ना, चूना चूना पत्थर के लिए, ठीक है। छिपन करी है ना, चूना पत्थर के लिए, नोट कर लीजिएगा उसको, जो छिपन करी मैं बता रहा हूँ। चलिए इसके बाद देखेंगे, बस्तर दशहरा में माउली माई की विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? गंगा मुंडा यात्रा कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है? मुंडा यात्रा। जो बस्तर दशहरा, देखिए बस्तर का दशहरा से यहाँ से 2 से 3 नंबर प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसलिए ताकि एग्जाम में आपको अच्छे तरीके से सरल हो सके, ठीक है। बस्तर दशहरा में जो माउली माई की विदाई के सम्मान में, ठीक है, जो माउली माई की विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो उसे मुंडा यात्रा कहा जाता है, ठीक है। गंगा अगर आएगा तो उसको डाल सकते हैं, इसको मुंडा यात्रा बोला जाता है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। जेठौनी किस माह मनाते हैं? तो कार्तिक माह में मनाते हैं। कब मनाते हैं? कार्तिक माह में, ठीक है। दिवाली कब मनाया जाता है? आप हाँ, दिवाली कब मनाया जाता है कमेंट में ज़रूर बताएं, कौन से माह में मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, परलकोट विद्रोह के शासक थे? तो परलकोट विद्रोह के शासक महिपाल देव जी थे। कौन थे? महिपाल देव। देखिए ऐसे एग्जाम में बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है, प्रीवियस वर्ष के क्वेश्चन में आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक सब इंस्पेक्टर प्यून भर्ती की तैयारी के लिए, बिल्कुल प्यून भर्ती की तैयारी के लिए ना। देखिए जो प्यून भर्ती है 25 सितंबर को इसका एग्जाम है, दिन की बात करें तो रविवार को होगा उसका एग्जाम, ठीक है। जिले के हिसाब से बताया गया है पूरा, ठीक है, इसका एग्जाम होगा। प्राचीन छत्तीसगढ़ में सरबपुरी शासकों की राजधानी, देखिए जो सरबपुरी शासकों की राजधानी होती है बारसूर में थी, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था और ऑप्शन में आपको दिख रहा है बारसूर, ठीक है। तीवर देव, ये आप सब जानते ही होंगे, ये तीवर देव छत्तीसगढ़ किस राज्य से संबंधित है? आपको मैं बताया था पिछले कक्षाओं में, पांडु वंश से संबंधित है। और आपको करा चुका हूँ कि सोम वंश, पांडु वंश, नरेंद्र वंश, ये सब बाकी मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। कलचुरी, देखिए कलचुरी वंश से आपको कल वीडियो में करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको कलचुरी से संबंधित और मध्यकालीन इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न कल का रहेगा, हाँ ठीक है। मध्यकालीन से वहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से। जनजाति का क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दूंगा इसके 2-3 दिन के अंदर, जनजाति का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो तीवर देव है छत्तीसगढ़ किस राजवंश से संबंधित है? पांडु वंश से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर, जो देखिए यहाँ पर जो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ था? तो पंचायन शैली में हुआ था, ठीक है। जो पंचायन शैली होता है ना, वहाँ पर हुआ था पंचायन शैली से, तो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा तैयारी करने के लिए। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने बनवाया था? जो राजीव लोचन मंदिर का, देखिए यहाँ पर जो जीर्णोद्धार है, जगत पाल ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं, जगत पाल ने करवाया था। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कुलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, देखिए जो राजीव में स्थित है, ठीक है, राजीव में जो स्थित है कुलेश्वर महादेव मंदिर, हाँ बिल्कुल। देखिए मंदिर से, तीर्थ स्थल से, ये बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, जनजाति से है ना, नित्य से, हाँ बिल्कुल यहीं से प्रश्न बनते हैं जी, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से यहीं से, तो बिल्कुल आपका नंबर खींचेगा, ठीक है। राजीव मंदिर आएगा, ठीक है। कपूरिया वंश की, देखिए अब राजीव मंदिर की बात करें, देखिए राजीव कहाँ से? फिंगेसर से आगे, ठीक है, फिंगेसर से आगे 20 किलोमीटर के अंतर्गत मिलेगा आपको राजीव, ठीक है। कपूरिया वंश की राजमुद्रा क्या थी? गजलक्ष्मी, ठीक है। कपूरिया वंश की जो राजमुद्रा थी गजलक्ष्मी थी, चलिए ठीक है। गांधी जी सर्वप्रथम रायपुर में आगमन कब हुआ? देखिए अब गांधी जी से प्रश्न पूछा जा रहा है, साक्षरता से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, जनजातियों से, और उसके बाद देखिए यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बनते हैं इसलिए मैं आपको वीडियो में करा रहा हूँ, ठीक है। गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 में। याद करने का अच्छा तरीका है 20-20 आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों यहाँ 20-20, ठीक है। गांधी जी सर्वप्रथम रायपुर प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 में। जबकि गांधी जी का द्वितीय आगमन कब हुआ था? कमेंट में जरूर बताएं ना इसका आंसर, कमेंट में जरूर दें। आपको पता रहना चाहिए गांधी जी के प्रथम आगमन कब हुआ था, द्वितीय आगमन कब, छत्तीसगढ़ में कब आए थे। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में गांधी जी
द्वितीय आगमन कब हुआ था इसका आप आंसर में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है? देखिए जो स्त्री साक्षरता है सबसे कम बिहार में है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है कमेंट में इसको भी आंसर आप बताएं। आपके लिए प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में स्त्री साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है, आप कमेंट में जरूर बताइए, आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम है? आप सभी को पिछले वीडियो में बता दिया था कि वन वाले में आपको पिछले वीडियो में कराया था चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना भारत चौथे स्थान पर है। देखिए 2018-19 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का जो हिस्सा था वो 36% था, ये भी आपको करा चुका हूँ मैं, और खनिज से संबंधित एक दो दिन में देखने वाले हैं, ठीक है। खनिज से, हाँ बिल्कुल, टेस्ट सीरीज रहेगा खनिज से संबंधित से, ठीक है। गणित की क्लास 5 बजे होती है श्वेता, गणित की क्लास 5 बजे होती है, ठीक है। देखिए सोनू बोल रहा है, क्या बोल रहा है सोनू बताइए, हाँ 9 बजे होती है ना कंप्यूटर की। अभी देखो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान करा रहा हूँ, आप कंप्यूटर की बात कर रहे हो, ऐसे में आपको मैं देखिए मैं रिमूव कर दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं रिमूव कर दूंगा आपको। जब अभी क्या चल रही है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान चल रही है ना भाई, तो आप छत्तीसगढ़ से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन करें, कहाँ से कंप्यूटर। देखिए मैं आपको क्या बोला था, जो भी डिस्कशन करना है आप ग्रुप में कर सकते हो या टेलीग्राम में कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऐसे फालतू बातें ना करा कर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्ष होती है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्ष कहाँ होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है, कहाँ से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? देखिए अप्पा जी का, मैं आप लोग को बताया था ना उस दिन अप्पा जी का, तो इस राज्य में अंग्रेजों का जो नियंत्रण स्थापित होने के समय, हाँ अप्पा जी आएगा ना, ये रघुनाथ सिंह कहाँ से आ गया, देखो ये रघुनाथ सिंह कहाँ से आ गया आप लोगों में, चलिए बता, रघुनाथ सिंह वो तो मैं देखिए रघुनाथ सिंह कौन है, चलिए आप अब बोल दिए हैं तो रघुनाथ सिंह बताइए कौन है, कलचूरी वंश का अंतिम शासक कौन है, रघुनाथ सिंह है, ठीक है, कलचूरी वंश। देखिए अब बात कर दिए रघुनाथ सिंह के बारे में, तो कलचूरी वंश, ठीक है, कलचूरी वंश का जो अंतिम शासक है कौन है, रघुनाथ सिंह है, और कलचूरी वंश का मराठा अंतिम शासक कौन है, तो आप मोहन सिंह बताएंगे, कौन है, मोहन सिंह है, ठीक है। कलचूरी वंश का अंतिम मराठा युगीन शासक मोहन सिंह होगा, जबकि कलचूरी वंश का अंतिम शासक कौन है, रघुनाथ सिंह है, ठीक है। विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी, तो आप देखिए 1857 में हुआ था, है ना, 1857 में जो हुआ था विद्रोह, उस समय वीर नारायण सिंह को गिरफ्तारी किया गया था, वो है 2 दिसंबर, ठीक। सूरही गाय की कहानी, सूरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है, तो सीताराम मिश्र जी हैं, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति पर रखा गया था, ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया, किसके नाम पर रखा गया है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, ठीक है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ओके। देखिए हाँ बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न बनते हैं जी, इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह का क्रम, देखिए अब झंडा सत्याग्रह के बारे में बात करें तो ये भी एग्जाम में पूछ चुका है झंडा सत्याग्रह से, ठीक है। जो 1923 में हुआ था झंडा सत्याग्रह कौन से जिले में हुआ था, तो बिलासपुर, कौन से जिले में हुआ था, बिलासपुर, ठीक है, कौन से जिले में हुआ था, बिलासपुर जिले में हुआ था। सकल राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या क्या होगी, सकल राय की जनसंख्या कुल है मैनपाट, ठीक है। इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, मैनपाट। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस कदर राज्य में ब्रिटिश शासनकाल में 2 आदिवासी विद्रोह थे, कौन कौन से, बस्तर विद्रोह, ठीक, एक मिनट ना, सत्याग्रह से बिल्कुल प्रश्न बनते हैं। देखिए सत्याग्रह से, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानीय लोगों ने 1920 में प्रथम सत्याग्रह किया था, तो कंडेल सत्याग्रह किया था, ठीक है, कंडेल सत्याग्रह किया था। और किसने तमाचा मारा था, कौन, किस महिला ने तमाचा मारा था, चलिए बताइए इसका आंसर आप बताइए। हाँ कलचूरी वंश में क्लासेस करा दिया हूँ, देखिए आप कलचूरी वंश से बोल रहे हैं तो मैं इसका आपको बता रहा हूँ,
कि इस राज्य में कलचुरी वंश के शासक संस्थापक इनमें से कौन था, तो कलिंग राज थे। कलचुरी वंश के जो संस्थापक हैं कलिंग राज हैं, ठीक है। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है, कलिंग राज। और निम्नलिखित में किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था, ये आप एग्जाम में पूछता है, बादल महल किसने बनवाया था, राज सिंह देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था, राज सिंह देव ने। देखिए वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था, राज सिंह देव ने बनवाया था, ठीक है। इस राज्य के निम्नलिखित किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया है, तो लोक रंगमंच, ठीक है, लोक रंगमंच, ठीक है। आज की क्लास यहीं स्थापित करते हैं, क्या सॉरी स्थगित करते हैं ना, या आज की क्लास यहीं स्थगित कर देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काष्ठ स्थलाकृति में निम्नलिखित से स्टेलेक्टाइट या स्टेलेगमाइट यह मिलता है, कुटुम सर की गुफा में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक्स फॉर माय वीडियो।